राहुल गांधी को मानहानि मामले में गुजरात की निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को न्यायालय द्वारा बहाल रखने के बाद से ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में रांची के बापू वाटिका में कांग्रेस नेताओं ने मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा ने साजिश रचकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। मोराबादी स्थित बापू प्रतिमा के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौन सत्याग्रह पर बैठे हैं। कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मुंह पर काले रंग का मास्क लगाए कांग्रेस नेता मौन सत्याग्रह कर जनता को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि किस तरह से पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जो देश की आवाज बन चुके हैं, उनके आवाज को कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है और जो एक साजिश के तहत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी का तथाकथित रिश्तेदार बनने का दावा करते हुए न्यायालयों में मुकदमा किया और उस निमित्त कुछ निर्णय आए हैं। अभी हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, जो भी न्यायालय का निर्णय होता हम जरूर सम्मान करते हैं, लेकिन जो भाजपा की जो सुनियोजित साजिश है, षड्यंत्र है, उसका हम विरोध दम तक करते रहेंगे। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश को संदेश देने का काम किया है कि किस तरह से महंगाई चरम पर है, किस तरह से बेरोजगारी चरम पर है, किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है और नफरत पूरे चरम पर है, तो उस बात के विरोध में जो राहुल गांधी जी एक देश की आवाज बने हैं, उसको हम लोग ताकत देने के लिए हम लोग आज इस मौन व्रत में बैठे हैं, बैठने जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि पूरे देश में जो मौन व्रत हो रहा है, उससे एक नई ऊर्जा का संचार होगा और जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, वो जो लगातार निडर होकर के डरो मत की बात करते हैं, उसको ताकत मिलेगी। देखिए, खामोशी के साथ मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि आज देश की हालात विचित्र टाइप का हो गई है, चाहे वो सेंट्रल में हो या राज्य में हो, मतलब अराजकता चारों तरफ फैली हुई है, आम जनता पिस रही है। और अभी देख रहे हैं कि जिस तरह राहुल गांधी के साथ हुआ, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था जी। हमको भी 2.5 साल की सजा हम जेल से काट करके निकले हैं फ्री का। और राहुल गांधी जी, आप देखते हैं किसी को मोदी सरनेम नाम देना या मतलब सजा उतना भी नहीं है, सजा 1 महीना होता है या कुछ फाइन होता है अलग बात है मैक्सिमम, लेकिन ये तो मतलब टू मच हो गया। न्यायालय पता नहीं किसी के दबाव में काम कर रही है या मतलब किसी के प्रभाव में काम कर रही है, ये तो समझ से परे है, लेकिन ये जस्टिस आवाम के लिए भी एक शॉकिंग है। पूरा देश जो है इस जजमेंट से शॉकिंग है। और राहुल जी तो संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।